सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, गिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने आज मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां बनाए गए ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट में निर्मित ऑक्सीजन गैस एवं सप्लाई की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जुगतावत को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन प्लांट से ही जिला हॉस्पिटल में सेंटर लाइन के माध्यम से बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर संबंधित कंपनी से भी बात की जाए। मेडिकल कॉलेज के बी ब्लॉक में वेंटिलेशन वार्ड का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि स्टाफ को निरंतर ट्रेनिंग देते रहें ताकि वेंटिलेशन चलाने में मुसीबत के समय कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ सभी मॉनिटर को नियमित रूप से चालू कर उनका मेंटेनेंस करते रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने बी ब्लॉक में ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया। उन्हें शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बी ब्लॉक में ICU और PICU रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण कर मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें आने वाली परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर जुगतावत को उन्होंने निर्देश दिए कि जिला हॉस्पिटल में अलग से बेड की व्यवस्था की जाए। इस दौरान खंडवा CEO नंदा भलावे कुशरे, ज्योति शर्मा और DDS चौहान, मेडिकल कॉलेज के HOD एंटी डॉक्टर संजय अग्रवाल, प्रोफेसर सुनील बाजुलिया, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पवार, RMO शक्ति सिंह राठौर सहित और अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। खंडवा कलेक्टर अनूप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा जिला पूर्ण रूप से आने वाली बीमारियों को लेकर तैयार है और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हॉस्पिटल में उन्होंने आला अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आने वाले ओमिक्रोन वेरिएंट को देखते हुए अगर जिले में स्थिति बिगड़ती है तो तैयारियां पूरी रखी जाएं ताकि किसी भी प्रकार से जो मरीज है उन्हें परेशानी ना हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रोन के मद्देनज़र शासन ने भी निर्देश दिए हैं कि हमारी जो कोविड की व्यवस्थाएँ हैं उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर जो अपने ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हैं और जो अपने ICU वार्ड हैं, PICU वार्ड हैं जिला अस्पताल के और मेडिकल कॉलेज के, उनको देखा गया और कोविड के अनुरूप जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं और उसमें जो अपना स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ उसकी ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया गया कि इनकी जितनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाए उतना अच्छा है ताकि उस समय हम लोग अच्छे से कोविड की तीसरी लहर का सामना कर सकें। अभी जो अपना मेडिकल कॉलेज है उसमें 432 ICU वार्ड की व्यवस्था की गई जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई 24 घंटे रहे इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल में ही 6 KL का एक टैंक भी चल रहा है और साथ ही जो अपना जिला अस्पताल है इसके जो विभिन्न वार्ड है उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई की कैसे व्यवस्था जाए उसको मद्देनज़र भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर भी कम से कम 40-50 बेड ऑक्सीजन सप्लाई के बनाए जा सके। सर, कोरोना के दौरान जो स्टाफ की भर्ती की गई थी उसको अभी छोड़ दिया गया था बीच में, अभी उनकी पुनः भर्ती होगी क्या? अब वो डिपेंड करेगा कि जिस हिसाब से अपने को आवश्यकता लगेगी उस हिसाब से उनको कोशिश की जाएगी कि उसमें से कुछ लोगों का शायद कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हो गया ऐसी जानकारी मिली थी, तो जो लोग उनको निरंतर संपर्क में रखा जाएगा और जब जैसी आवश्यकता होगी तात्कालिक रूप से उनकी बुलाया जाएगा।